मैं हूं मोइज़ जाफरी और मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360 का ईद स्पेशल। वेलकम टू द शो। नए पाकिस्तान का की पहली ईद और नए पाकिस्तान जो आगे किस तरह बनने जा रहा है, जिस तरह के कैबिनेट तश्कील दी गई है, इसके साथ क्या नया पाकिस्तान बनेगा। खान साहब ने अपना विजन जो है वो लेकिन सामने पेश किया कि उनकी नज़र में नया पाकिस्तान क्या होगा। कैबिनेट की पहली मीटिंग भी हो चुकी है, सीएम पंजाब इम्पोर्टेंटली जो है वो इलेक्ट भी हो चुके हैं। बुज़दार साहब जिनके इलाके में बिजली नहीं है, जबकि उनके वालिद साहब 3 दफ़ा वहाँ से एमपी इलेक्ट हो चुके हैं, अब पंजाब जो है वो सारी नज़रें और उम्मीदें उनसे लगा के बैठा हुआ है। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं फैसल सब्जवारी साहब, एनक्यूएम के बहुत सीनियर लीडर हैं। हमें फॉर्मर गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पीएमएल नून के बहुत सीनियर लीडर हैं। और हमें सेनेटर सईद गनी साहब जो कि अब मिनिस्टर हैं, मेरे ख्याल से आधी पोर्टफोलियो जो है वो सिंध हुकूमत का, सिंध कैबिनेट का अभी इनके पास है, लोकल गवर्नमेंट के बेसिकली ये मिनिस्टर हैं। शो शुरू करेंगे आपके साथ ज़ुबैर साहब, कि मुझे ये बताएं सर, आपके ख्याल से, क्योंकि आप एक पॉलिटिक्स के जो है वो एनालिस्ट भी हैं, साथ साथ आप गवर्नर भी क्योंकि रहे हैं, कि नया पाकिस्तान आपके ख्याल से खान साहब के जो जहन में था सब्जेक्टिवली वो था क्या, और फिर हम एनालाइज करेंगे कि जो ये कैबिनेट जिन लोगों ने फिल की है, क्या ये नया पाकिस्तान बना सकते हैं या नहीं। मेरा ख्याल है नया पाकिस्तान तो एक सिंबलिज्म है, उसमें मेरा ख्याल है हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है। और ये खान साहब नहीं, नहीं उनके जहन में तो होगा ना। नहीं, खान साहब ने बड़ा फेमसली इलेक्शन से पहले एक, जब उनके जो बहुत डिसकंटेंट वर्कर्स आए थे जिनको टिकट नहीं मिला था और नए जो वो लोटे आए थे उनको दिया था, तो उस पर खान साहब ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि मैं एनजीओ नहीं चला रहा। तो मैंने कहा 22 साल के बाद इनको याद आया कि ये पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी की अपनी कंपल्शंस होती हैं और अपने आप में कॉम्प्रोमाइज करने होते हैं। नया पाकिस्तान एट द वेरी लीस्ट वुड मीन कि जिस तरह से चीजें होती आई हैं अब उस तरह से नहीं होंगी। मेरा ख्याल देखे ना, वो तो हर एक की पॉलिटिकल, पीपीपी से पीएमएलएन की हुकूमत आई थी, आपकी डिफरेंट तरजीहात होती हैं। आज आपने कहा विजन ही अलग है, पैराडाइम ही शिफ्ट है। नहीं, क्या स्ट्रेटजीज चेंज नहीं है, कैसे शिफ्ट है। देखें, टीम जो होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ ख़ासतौर पर स्पीच के हवाले से, इन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच की, लोगों ने कहा बड़ी अप्रिशिएट की, तो मैंने कहा स्पीच तो वही है जो इनका मैनिफेस्टो था। उस वक्त हमें जो चीज़ नहीं पता थी कि ये कौन सी टीम होगी जो इसको डिलीवर करेगी, अब हमें टीम भी पता है। सो वो टीम और उसमें एक डिस्कनेक्ट है। सर, लेकिन टीम पुरानी, कैपेसिटी पुराने पाकिस्तान ने नया इलेक्शन जितवाया, अब ये पुरानी कैबिनेट पुराने पाकिस्तान की क्या नया पाकिस्तान दिला सकती है। अच्छा, एक तो नया पाकिस्तान है क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि उसमें क्या हुआ करेगा। आप समझ सकते हैं इतना दूर है हकीकत से कि आपको नजर नहीं आ रहा क्या। देखें, एक पाकिस्तान इवॉल्व, मैं आपको बताता हूँ क्या है। नया पाकिस्तान है जहाँ इंस्टीट्यूशंस मजबूत होंगे, जहाँ ह्यूमन पर्सनल पे इन्वेस्टमेंट होगा। कौन कहता है कि नहीं होने चाहिए। आई थिंक फैसल सज़ाई साहब और सईद गनी साहब का, क्योंकि ज़ुबैर साहब वॉज द गवर्नर ऑफ दिस प्रोविंस, इस सूबे में बिलखसूस कराची के अंदर, सिंध के अंदर तो अभी पुराना ही पाकिस्तान है, लेकिन कराची के अंदर नया पाकिस्तान आया है। तो मैं कराची की सबसे बड़ी पार्टी की रिएक्शन और फिर उसको हैंडल किस तरह करेगी सिंध की रूलिंग जमात, मैं ये दोनों आप लोगों से चाहूँगा। फैसल साहब, पहले तो वो सुनामी कोस्टल टाउन कराची है, यहाँ पे तो आ गई, तो क्यों आई और आप लोगों का क्या आइडिया है फॉर द फ्यूचर? उनके साथ भी आप फेडरल गवर्नमेंट में जा भी रहे हैं, अलहदगी दिखा भी नहीं पाएंगे ज़्यादा, क्या व्हाट्स योर नया पाकिस्तान ईद लाइक? पहली बात तो ये है कि जो सुनामी की आप बात करें बड़ी इंटरेस्टिंग है, यानी चित्राल से सुनामी चली, घोटकी तक चलती रही, और घोटकी से हैदराबाद तक कोई लहर नहीं चली करप्शन के खिलाफ, और फिर कराची में दोबारा चल गई। तो बड़ा, तो घोटकी से कराची तक हो सकता है करप्शन ना हुई हो, गालिब इम्कान इसी बात का। कैनाल सिस्टम यूज़ किया हो। हुस्न ज़न को मैं आपके जो है ना इस वक्त मार्जिन दे रहा हूँ, लेकिन और सबसे दूर बैठे हैं मुझसे। तो यकीनन कराची में जो नतीजे आए वो बड़े हैरान कन थे सारी पार्टियों के लिए, इंक्लूडिंग पीटीआई। ऐसा नहीं है, एंड इंक्लूडिंग पीपीपी ऑफ कोर्स, हाँ सारी पार्टीज के लिए, मेरे ख्याल में ऐसे ही है, पीपल्स पार्टी के लिए भी, एमकेएम के लिए भी और पीटीआई के लिए। आपके लिए नया पाकिस्तान गया, इनकलाब आए मगर ऐसा ना आए कि उम्मीद साया खुर्शीद से और धूप शजर से निकले। नहीं, लेकिन है क्या
ये तो आपने पता नहीं क्या कहा। पाकिस्तान में आप तसव्वुर कर सकते थे पुराने पाकिस्तान में खालिद मकबूल आईटी मिनिस्टर, ये नए जदीद जमाने की ये चेंज है। नहीं तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को एनर्जी का मिनिस्टर भी बनाया आपने। नहीं नहीं वो तो उस वक्त नया पाकिस्तान नहीं था। लेकिन चले मैं सेंटर से छोटा नोकिया का स्मार्टफोन है उनके पास। आई थिंक नहीं सर, ही इज टैक्स सेवी। आपकी इम्यून थे आपने पाकिस्तान से आपका सूबा, लेकिन आप जिस तरह कराची के हवाले से कहते आए थे कि सबसे बड़ी पार्टी उभरेगी PPP, क्योंकि आप देख रहे थे MQM तीन जगह तकसीम है MQM को वोट। सर उस तकसीम का नुकसान तो इनको ज़रूर हुआ, लेकिन फ़ायदा आप लोगों को नहीं हुआ, लियारी जैसी जगह पर भी नहीं हुआ। तो आप लोगों के लिए कराची जो कैपिटल है आपकी प्रोविंस का, आपको आपके लिए किस तरह है ये नए पाकिस्तान में? मैं सबसे पहले तो ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके तमाम देखने वालों को, और आज की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देखिए अगर तो कराची में वाकई इलेक्शंस होते ना और लोगों की राय पर फैसले आते तो शायद हमें इस किस्म का नतीजा ना मिलता। लेकिन बहरहाल इस बहस में जाए बग़ैर कि कराची में इलेक्शन किस तरह के हुए, बहरहाल इस वक्त PTI है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही कही फैसल ने कि मैं तो अक्सर कहता हूँ ना, हम कभी मैं दावा करता था ना कि हम सबसे बड़ी पार्टी होंगे कराची की, मतलब 50% की बात में करता था। इन्होंने कभी दावा भी नहीं किया, और मैं तो कहता हूँ उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया, तकब्बुर नहीं किया ना, तसव्वुर नहीं किया उन्होंने कभी, इतनी सीटें मिलेंगी, ठीक है, ये कभी कहा नहीं। अच्छा, और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इनके कैंडिडेट बेचारे रात को घर जाके सो गए थे कि हम फारिग हो गए, जो अगले दिन जाके किसी ने उठाया कि भाई आप जीत गए, जाके रिजल्ट ले लें, इस तरह से हुआ है। और ये मैं समझता हूँ कराची की तारीख में शायद पहली दफ़ा हुआ होगा। देखिए जो कैंडिडेट होता है ना उसको सबसे ज़्यादा पता होता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, बाहर से जो भी लोग कह रहे हो टीवी पे जो भी, कैंडिडेट को पता होता है, शाम तक तो पता चलता है कि क्या हुआ मेरा शहर। और अगर ये जीते हुए होते हैं ना, इन्होंने तूफान बर्पा कर देना था शहर के अंदर, सुनामी बर्पा हुई है यार कराची में, 14 सीटें ले ली, कोई जश्न नजर आया आपको? रैलियां, जश्न, तैयारी नहीं थी जश्न, मतलब मैं कहता हूँ अगर हम कराची से 10-11 सीटें जाते हम कराची को सर उठा लेते। अब यहाँ से शुरू करें जो पहली बात थी कि ये एक नया पाकिस्तान, ये जो कैबिनेट बनाने, एक पहला नए पाकिस्तान का अटेम्प्ट हुआ था जब रेफरेंडम में इमरान खान ने मुशर्रफ साहब का साथ दिया था। अब इमरान खान साहब की आधी से ज्यादा कैबिनेट मुशर्रफ साहब वाली है, तो अब एक एक करके लेके चले, आपके ख्याल से खटक साहब नया पाकिस्तान बनाएंगे? भाई पख्तूनख्वा में किया ना उन्होंने नया पाकिस्तान। मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इनको वक्त देना चाहिए और लोग भी देखें। उम्मीद आप रखते हैं कि खुसरो बख्तियार नया पाकिस्तान बनाएंगे, शेख रशीद नया पाकिस्तान बनाएंगे? नए और पुराने पाकिस्तान को भी एक तरफ के पाकिस्तान फिलहाल एक ही है लेकिन जो तब्दीली की वो बात करते हैं, तब्दीली की बात है, नया पाकिस्तान है तब्दीली, तब्दीली की जो बात वो करते हैं उसको देखने दें आप लोगों को भी। हम तो कहते हैं लोग भी देखेंगे क्या करते हैं और इमरान भी देखेंगे हुकूमत चलती कैसे। हुकूमत बनाने के लिए जितने कम्प्रोमाइज़ कर लिए गए हैं उस हुकूमत को बचाने के लिए उससे ज़्यादा कम्प्रोमाइज़ कैबिनेट में अक्कासी हो रही है उन कॉम्प्रोमाइज़ की, सवाल आपको नहीं नज़र आ रहा? सवाल यही है, नज़र आ रहा है ना, नज़र तो आ रहा है, नज़र तो आ रहा है। देखें इस हुकूमत को मैं कह रहा हूँ ना, बनाने के लिए जितने कम्प्रोमाइज़ किए हैं इसको बचाने के लिए उससे ज़्यादा करने पड़ेंगे कॉम्प्रोमाइज़, सिर्फ PTI ज़्यादा करने पड़ेंगे। सर आप यू आर गवर्नर व्हेन दिस इज़ हैपनिंग, मैं अब ये जो सिंगुलर एक रिसर्च होती है एक आदमी की जब वो खुद कुछ करता है और चार चीज़ें देख लेता है उसी बुनियाद पर कह रहा हूँ, मेरे पोलिंग स्टेशन में सबसे ऑर्गेनाइज तरीके लबैक का पोलिंग एजेंट था, सबसे बेहतर तरीके से प्रिंटेड पेपर्स उसके थे, लियाकतबाद एरिया, सबसे बेहतर प्रिंटेड पोलिंग पेपर्स उसके थे। मेरा पोलिंग स्टेशन लियाकतबाद एरिया नहीं था, कंस्टिट्यूंसी लियाकतबाद एरिया की है, मेरा पोलिंग स्टेशन था ब्लॉक 11 फेडरल एरिया में। तो ये वाज इट अ सरप्राइज, मतलब आपका यू डिड हैव सम काइंड ऑफ अ सेल इन द सिटी, तो आपको ये एकदम से हमने दो तीन हलकों में अपनी इंटरनल सर्वे भी करवाए थे, और बल्दिया में जहाँ फैसल वाडा जीते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ, जो एक हफ्ते पहले कराया था 42% पॉजिटिव था शहबाज शरीफ के लिए, और सेकंड सरप्राइजिंगली वाज JUIF विद 18%। और इसकी सरप्राइज इस वजह से भी बहुत ज़्यादा है कि आज से कुछ अरसे पहले जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए थे और रेंजर्स की निगरानी में हुए थे, उस वक्त 9-0 बंद हो चुका था और मतलब MQM वो सब नहीं कर सकता था जो इन पर इल्ज़ाम लगाया जाता था पहले, तो उस वक्त चौथे नंबर पर सीट्स आई थी। लास्ट ईयर एक बाय इलेक्शन हुआ था जिसमें सईद घनी साहब जीते थे,
اس میں چوتھے نمبر پر تھے, ہمارے تقریباً 8,500 ووٹ تھے اور ان کے 5,000 ووٹ تھے. سو اینڈ اس میں عمران خان نے آ کے دو دن کمپین کی تھی, اسد عمر یہی تھے, سب آئے تھے, شیخ رشید بھی آئے تھے, obviously it was a total surprise. ایک زرداری سب پر بھاری اس وقت, ایک سعید غنی سب پر بھاری. سعید غنی ایک تو ہم نے اس وقت کنسیڈ یہ کیا تھا کہ ایز اے کمپینر ہی واز دا بیسٹ اینڈ ریچڈ آؤٹ ٹو پیپل اینڈ جو بھی تھا وہ ان کو ایڈوانٹیج ہم کہہ سکتے ہیں. ایم کیو ایم نے بڑے ووٹ لیے تھے, 17-18,000 باوجود اس کے کہ الطاف حسین نے بوائیکٹ کی اپیل کی تھی. ایم کیو ایم کے لیے ایک بڑی ریلیف بھی تھی, وہ ان کا پہلا لیجیٹیمیٹ آسکنگ آف دا پیپل تھا کہ آپ ہمیں مانتے ہیں یا نہیں مانتے الطاف حسین ساگا کے بعد. ہمارے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ تھا کہ پنجاب میں جس طرح انہوں نے کہا کہ بڑی عجیب سی لہر تھی, لہر ہوتی ہے اکراس, ٹھیک ہے, اب گجراںوالا پی ایم ایل این سویپ کیا, شیخوپورہ سویپ کیا, اکاڑا سویپ کیا, لاہور 90% ووٹ لیے, لیکن اکاڑا سے لے اٹک سے لے کے جیلم تک اپر پنجاب میں 37 پروونشل اسمبلی سیٹس میں دو پی ایم ایل این کو ملی, وائپڈ آؤٹ. سو لہر عجیب سی تھی کہ اب جیلم میں وائپ آؤٹ ہوا یا جیلم سے وائپ آؤٹ. نہیں نہیں میں یہ فیصل صاحب بیکاز ہی از دی ینگسٹ ہمارے پینل پہ, میں ان سے شروع کرنا چاہوں گا. یہ نمبرز جو ہے نا وہ یہ ساری باتیں آپ نے کیسے ڈیٹرمن کیا؟ ذرا میں بھی تھوڑا سا دیکھنے کے حساب سے. نہیں ینگسٹ نہیں, ویسے تو بوائز ہیں, ینگسٹ صاحب کے علاوہ. نہیں نہیں, حیدر از اولڈر دین می. نہیں میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں, ورنہ ینگسٹ میں آؤں. ہاں پروون. اچھا فیصل صاحب, یہ نمبرز جو ہیں یہ ینگسٹ اس لیے کہہ رہا تھا, اس لیے یہ جو فرسٹ ٹائم ووٹر ہے پاکستان کا, جو ملینیل ہے, جس کے جو ہیبٹس ہیں وہ پوری دنیا ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے, انتظامی طور پہ وہ اتنا یقین نہیں رکھتا انسٹیٹیوشنز میں, نوکریوں میں, گلوبلی, تو اس کا پہلی دفعہ ووٹنگ کرنے نکلا ہے, وہ 27% اوسطاً پاکستان ہے, سب سے بڑا ووٹنگ بلاک ہے, کیونکہ 45% پاکستان ابھی کل کا پاکستان ہے, ابھی نیا پاکستان نہیں ہوا وہ. تو اس کا جو 2 کروڑ اور نیا ووٹ ایڈ ہوا, جس کی اکثریت نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, تو پی ایم ایل این کے سب کچھ کے بعد بھی نمبرز گرے, تو 1,48,00,000 سے گرے 1,27 تک, جی بڑھے تو پی ٹی آئی کے 80,00,000 سے نیرلی دگنے ہو گئے. تو یعنی کہ اگر آپ نمبرز میں دیکھیں تو یہ ایسا نہیں ہے. چلیں اگر آپ ریگنگ کو لاہور کا ووٹ ینگسٹر ڈیفرنٹلی کیوں سوچ رہا تھا اور پنڈی کا کیوں ڈیفرنٹلی سوچ رہا تھا, اگین آپ کس قسم کی, اگر آپ بالفرض وقتی طور پہ کہ الیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ رگ نہیں تھا, تو آپ یہ نمبر سوئنگ کل کے لیے کوئی پریڈکشن دیکھ رہے ہیں کہ 80,00,000 ووٹر اگر ایک طرف چلا گیا تو یہ کوئی سائن آف تھنگس ٹو کم ہے کہ ہمارا نوجوان کس طرح سوچے گا؟ مجھ دیکھیں, پہلی بات تو ملینیل جو ہیں, جہاں وہ فرسٹ ٹائم ووٹر ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں, وہ بے صبرا ووٹر بھی ہوئے, یعنی جو پرامسز تھے, اگین نا پاپولزم کی بنیاد کے اوپر خان صاحب کو گورنمنٹ تو مل گئی ہے, لیکن پاپولزم کی بنیاد پہ گورنمنٹ چلے گی نہیں, وہ تو پرفارمنس کی بنیاد پہ ووٹ بیس بھی چلا جائے. ایگزیکٹلی یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے, اور اچھی بات ہے اگر ووٹر یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہوں, لیکن پی ٹی آئی کو بھی یہ بات پیش نظر رکھنی ہوگی کہ اس ملک کی اگر آبادی دکھائی گئی ہے کہ 22 کروڑ ہے, اس میں تقریباً 10.25 کروڑ کے قریب ووٹر ہیں, پی ٹی آئی کو کوئی 1,60,00,000 تقریباً ووٹ پڑے ہیں, یعنی تو ملک کی پاپولیشن کا کتنے پرسنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ ضائع کم ہوئے ہوں گے. نہیں 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 سر, گنے, لیکن آپ نے کہا نا وہ الیکشن میں ریگنگ نہیں ہوئی, اگر بالفرض میں پری پول ریگنگ میرے سامنے ہوئی ہے اور پوسٹ پول ریگنگ ہمارے پیچھے ہوئی ہے, ووٹنگ کا پروسیس جو ہے اس کے اوپر کم بیش, اور اسی لیے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیمرے تو لے آؤ نا, جو 21 ارب روپے خرچ کیے الیکشن کمیشن نے اس کا حساب دے دے. ہیونگ سیڈ دیٹ, تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے اوپر یہ بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں اس وقت, خان صاحب کو بھی ہیں, اینڈ ہی ول اسٹارٹ فیلنگ دا ہیٹ, کہ اس کرسی کی جو ہیٹ ہے, جو لوگوں کا ایکسپیکٹیشن لیول ہے, جو خود کا بنایا ہوا ایکسپیکٹیشن, خود کا بنایا ہوا ہے نا, آپ نے اپنے آپ کو, آپ ہی نے یہ کہا کہ میں ساری چیزیں اچھی کروں گا, لوگ بے صبرے ہیں, لوگ ریلیف چاہتے ہیں بہت سارے اکاؤنٹس کے اوپر, انفارچونیٹلی اوور نائٹ نہیں مل سکے گا لوگوں کو ریلیف ہمارے یہاں. جب اوور نائٹ آپ ریلیف نہیں دے سکتے تو پھر اب آسٹیریٹی میجرز کی گیمکری اور اکاؤنٹیبلٹی کی گیمکری پہ زیادہ ریلائے کرتے ہیں. یہاں اتنے بھوکے بیٹھے ہیں, آپ کے پاس اتنی یہی پلیٹس ہیں دینے کی, آپ کچھ بھی کر لیں تو آپ 2 پلیٹس سے علاوہ باقی 6 پلیٹس تو دے ہی نہیں سکتا کوئی بھی پرائم منسٹر پاکستان کا بھوکوں کو, ٹھیک ہے, یہ پرابلم ہے. آپ بھوکے کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں عوام کی ایکسپیکٹیشنز کی بات کر رہا ہوں نا, بجٹ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کا دی سوپ از ٹو ہاٹ, دی سوپ از جسٹ پرفیکٹ کے بیچ میں آپ ہیں وز وی دی ینگ ووٹر, یعنی پی ایم ایل نون کا ینگ ووٹر سے پرابلم ہے, اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے میرے خیال میں. میں سعید صاحب کے ساتھ آؤں گا, تو
तो मैं एग्री नहीं करता ना, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें गुजरांवाला का यंग वोटर हमें दे रहा है, लाहौर का यंग वोटर हमें दे रहा है, और उखाड़ा का दे रहा है, और तमाम फैसलाबाद का नहीं दे रहा, वो अभी शेर अली की वजह से दे रहा है, उसमें फूल वाली पिक्चर उनकी जो है ना, जबर साहब के यूथ वोट जो है उसके अंदर पीटीआई को आपसे डिसाइडेड बेचते नहीं, मेरा ख्याल है आप जब यूथ वोट की बात करते ना तो आप उस अंग्रेजी बोलने वाले की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल है पता नहीं सर, जी जी आप उसी की बात कर रहे हैं कि वो अपर क्लास की बात कर रहे हैं, नहीं अंग्रेजी बोलने वाले तो बहुत कम है सर, इनके वोट जितने बड़े हैं, हमने स्टैट्स निकाले ना, मैं वही कह रहा हूं ना सर, ट्विटर पर हमें बुरा भला हर जबान में, हमें भी लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो कि हम हमेशा कहते हैं कि जी यूथ जो है, बट हमने खुद एनालाइज किया, एक यूथ में भी दो कैटेगरीज है, एक अवाम मासेस हैं जो इतने एजुकेटेड नहीं हैं और सब कुछ, और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी इतनी नहीं है जितनी पढ़े लिखों की है, ये भी एक रियलिटी है। सो पीटीआई में जो गए हैं ज़्यादातर लोगों ने जो ऑलरेडी वेरी वेल ऑफ हैं, बट वो दुनिया को भी देखते हैं, सो वो दुनिया से पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं, और वो नंबर्स नहीं हो सकते सर, इतना देखें ठीक है अमीरों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है लेकिन ऐसा नहीं है अक्रॉस द डिवाइड नौजवान, मैं थोड़ा सा इसलिए डिसएग्री करता हूं, देखिए मैंने खुद इलेक्शन लड़ा है और भी लोगों ने लड़ा होगा, नहीं घोटकी से कराची तक तो कोई यंगस्टर उनके साथ नहीं था, हमारी कैंपेन में भी देखते हैं ना तो यंगस्टर आपको बहुत बड़ी तादाद में नजर आएंगे, बहुत बड़ी तादाद में, डेफिनेटली जो मेरा काम करे तो मुझे वोट भी क्या होगा, तो ये स्टेट में कह देना कि जी इस एज ब्रैकेट के जो लोग हैं वो उधर गए, उसके अलावा हेरल्ड की सर्वेज आई है, दो इलेक्शन से मैं फॉलो कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा औसतन उम्र में उम्र रसीदा वोटर आपका है, यानी जो आइडेंटिफाई आपके साथ करता है वो 50 का बैरियर क्रॉस करता है, यानी जो एवरेज वोटर, लेकिन वो रीजन भी तो डिपेंड करता है, लेकिन विद इन कराची एंड विद इन लाहौर, अगर इन दोनों जगह के आपका वोटर इज द मिडिल क्लास वोटर, पीटीआई का वोटर बाय मेजॉरिटी इज अ यंगर वोटर, मैं ये चीज सामने रखते हुए ठीक है, देखिए आप अगर परसेंटेज पे जाएंगे तो हो सकता है कि उनके पास 40 हो, हमारे पास 30 हो, इनके पास 2500 3200, ये हो सकता है, बट ये तासुर लेना कि जो 2 करोड़ वोटर हैं वो सारा का सारा उधर निकल गया होगा तो ऐसा नहीं है। अच्छा हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, मैं एक वैसे वाक्य बता दूं, 2013 का जब इलेक्शन था तो मैं कैंपेन टीम में था लाहौर में, तो उस वक्त मुझे कोई पहचानता ही नहीं था, तो मैं जाता था खुद सर्वे करने के लिए, तो मैं एक दफ़ा किया, उसके बाद हम खाना खाने गए लाहौर में एक अच्छे ट्रेंडी रेस्टोरेंट में, तो 3-4 बड़ी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़कियाँ बैठी थी यंग, तो हमारी आपस में शायद लगी कि किसके वोटर होएगी, तो सबने कहा पीटीआई की, तो मैं और एक और लड़का हम गए, मैंने कहा कैन वी ज्वाइन यू, मैंने कहा जी हम कराची से आए हैं सर्वे कर रहे हैं, तो अभी इलेक्शन होने वाला है आप वोट डालेंगी, उन्होंने कहा जी मोस्ट प्रॉबली वोट डालेंगे, तो हमने कहा आप किसको देंगी, तो उन्होंने कहा PMLN, तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, एक्चुअली हमारी शर्त लगी थी, हम खुद PMLN के, लेकिन हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से आके थोड़ा सा ये भी एनालाइज करेंगे कि ये जो सिमत अब ली है इस नई सियासत ने नए पाकिस्तान की तरफ, उसमें पार्लियामान की 3 इंपॉर्टेंट स्पीचेस भी थी, जिसमें खान साहब की थी, जिसमें शहबाज शरीफ और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की मेडन और पहली स्पीच पार्लियामान में, ही स्पोक लाइक अ स्टेट्समैन, मैं पहले भी पिछले शो पे कह चुका हूँ कि अगर मैं पार्लियामान में किसी स्पीच से रिसेंटली इंप्रेस हुआ तो 10 out of 10 मैंने दिए थे स्पीच को, इस पर भी हम बात करेंगे, एक दफ़ा मैं पहले डेस्क पीट चुका हूँ किसी स्पीच पे, वो सईद गनी साहब की स्पीच थी, दूसरी दफ़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीच थी, लेकिन ये भी फिर हमें देखना होगा कि क्या ये स्पीच काफ़ी थी, क्या ये हमें वो सारी बातें भुला देगी जो मुंसलिक हैं पीपल्स पार्टी की लैक ऑफ गवर्नेंस के हवाले से, या पुराने पाकिस्तान और पुरानी PPP की सियासत के हवाले से, आज हम मुराद अली शाह को देखते हैं, आज हम बिलावल भुट्टो को देखते हैं और हमें उम्मीद ज़रूर होती है, इस पर बात करेंगे, सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद जुबैर साहब गवर्नर सिंध रह चुके हैं अभी टिल रिसेंटली थे वो हमारे साथ हैं, फैसल सरदारी साहब हमारे साथ हैं, MQM के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, अब हम बात कर रहे हैं जो एक नई सिंध पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ली, पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए इमरान खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर, उनकी पहली स्पीच इस बैकड्रॉप में थी कि जबकि 20-25 PML नून की खवातीन नवाज शरीफ साहब का पोस्टर लिए उनके सामने एहतजाज कर रही थी, जब खान साहब ने स्पीच दी तो वो स्पीच हमें बाद में पता चला नहीं थी कि जो वो तैयार करके लाए थे, बल्कि वो जवाब जैसे दे रहे थे इन खवातीन को जबकि कौम और पूरी दुनिया देख रही थी, तो क्या खान साहब क्या रैटल हो गए थे, क्योंकि अपना तो वो विजन पेश करने आए थे कि नया पाकिस्तान कैसे बनेगा, नया पाकिस्तान जो है उसके लिए वो क्या करेंगे और हमें क्या करना है, लेकिन हमने उसके अलावा ही बहुत सारी बातें सुनी, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने पूरी रिगिंग के हवाले से बात की और लग रहा था कि वो भी कोई जलसे से खिताब करें, लेकिन उनकी बात इतनी बुरी इसलिए नहीं लगी क्योंकि वो तो हैं ऑपोजिशन में,
और रिगिंग की बात खान साहब ऑलरेडी छेड़ चुके थे, और फिर हमने एक्चुअली पार्लियामेंट की स्पीच सुनी जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दी, और ज़्यादातर अंग्रेज़ी में थी। इसकी एक ही तनकीद मैं ये करूँगा कि वो जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा से जुड़ते हैं लोग, वो तो चाहे वो अंग्रेज़ी बोलें, सिंधी बोलें, पंजाबी बोलें, वो जुड़ेंगे, लेकिन वो लोग जो उनको उनसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, जिनका वो ताल्लुक नहीं है पीपल्स पार्टी से, शायद ये ज़बान जो है वो का मसला थोड़ा उनका होता हो। मैं इसके अलावा कोई तनकीद सईद गनी साहब उस स्पीच की नहीं कर सकता। बिलावल की स्पीच के बारे में मैं कमेंट करूं कि ये तो तारीफ ही करेंगे सर, इनके बाद आपके पास अच्छा। आऊंगा क्योंकि मैं एक अच्छी बात ही ये तारीफ इतनी नहीं करेंगे जितनी मैं करूंगा ये तो और कर चुका हूं अच्छा। क्योंकि मेरे ख्याल से ही वाज सच अ स्टेट्समैन, मेरा ख्याल है जाके पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लिया मैंने आपको, इलेक्शन कवरेज के वक्त मरियम नवाज के जलसे के अच्छा, उसको भी दी थी तो आइंदा की जो जनरेशन है मारूसी आपको भी दे रहा हूं अच्छा। मारूसी सियासत कहते हैं लोग जो भी कहते हैं, लेकिन ये एक तरबियत, एक कैलिबर, एक माहौल का हम देख रहे हैं, मरियम नवाज में भी देखते हैं, हम बिलावल भुट्टो में भी देखते हैं कि वाकई जब वो बोल रहे थे तो एक ठहराव, एक बुद्धबारी, एक विजडम, एक स्टेबिलिटी उनमें जो नजर आई, उनसे बहुत ज्यादा मच्योर लोगों में या उम्र में ज्यादा लोगों में नहीं नजर आई। उन्होंने जिस तरह से खान साहब की तनकीद भी की, बहुत सटल तरीके से भी की कि प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट भी कह दिया, पूरी रिगिंग की बात भी की और गालियां भी नहीं दी, चीखा भी नहीं, ये भी उनके खैर एडवांटेज में थी बात कि बाकी कोई उन पर भी नहीं चीख रहा था। लेकिन आप सर किस तरह देखते हैं कि मुझे ये लगा कि जैसे एक बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट इसलिए थी क्योंकि इनका जो पार्लियामेंट में मैं करियर देख रहा हूँ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पीपल्स पार्टी की लैक ऑफ गवर्नेंस की मैं जितनी भी तनकीद करता हूँ, बट बिलावल भुट्टो जरदारी वाज एब्सोल्युटली इंप्रेसिव फॉर मी दैट डे। तो देखिए मैं तो पहले से ही बात कहता था, जब तक उनकी मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं थी, लोगों से मुलाकातें नहीं थी ज़्यादा, मेरा उस वक्त भी यकीन था कि अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतें उसके अंदर रखी हैं, और जब ये वक्त आएगा जब लोगों से वो मिलेगा तो लोगों का अंदाज़ा होगा। और वही बात सामने आई कि जो हमारे शदीद तरीन मुखालिफ थे उन्होंने भी उस स्पीच को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और उसकी तारीफ़ की है। ये एक पॉजिटिव बात है, इसलिए कि पाकिस्तान के जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है उसमें एक आपको एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि एक ऐसा नौजवान लीडर है जिसको आप कह सकते हैं कि आगे जाकर पाकिस्तान की सियासत में उसका अहम किरदार होगा। खान साहब हैं, इससे हम समझें क्या, वट कैन वी टेक अवे कि ये स्पीच चूँकि ऐसी देते हैं लिहाजा ये कैसे लीडर होंगे, लिहाजा क्या हम समझें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो बातें उन्होंने कही हैं ना वो उसी तरह से हैं। एक तो जो लोग मिले हैं बहुत हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, आप लोगों पे यही होती है कि बातें अच्छी, लेजिस्लेशन अच्छी, पार्लियामेंटेरियन अच्छे, मैं आपको काम वाम नहीं करना। अभी वो मुराद अली शाह साहब ने कुछ काम किए, मुझे अभी जब कैबिनेट में लिया गया और पहले भी खैर एक दो मुलाकातें हुई हैं और कल फिर फॉर्मली उन्होंने कैबिनेट के जो मेम्बर्स थे उनको ओथ से पहले बुलाया और बड़ा वाजे मैसेज दिया, बड़ा वाजे कि जी काम करना है और ट्रांसपेरेंसी होनी है, मेरिट पे होना है और गुड गवर्नेंस होनी है। और ये भी कहा कि मैं आपको सख्त भी लगूंगा कहीं कहीं पर, और अब जो कुछ होना है वो मेरी तवक्कात के मुताबिक होना है। ये भी कहा कि मैंने जाके लोगों से वोट मांगी और मैंने तुम्हारी पहले मैंने जमानत दी लोगों को, उनकी इन्वॉल्वमेंट इस हद तक पहली दफा आपने देखी है। नहीं सर अब बड़ी है, पहले तो ऐड करना चाहिए। एक तो मैं सपोर्ट करूंगा जो आपने कहा, 10 out of 10 मैं भी दूंगा, लेकिन मेरे मुंह से आपको नहीं अच्छा लगा। एक तो ये था कि उनको बाकी दोनों जो लीडर्स थे इंक्लूडिंग बशमूल प्राइम मिनिस्टर के, इनको एडवांटेज ये था कि इनके ऊपर कोई तोपे नहीं चला रहा था, एंड ही हैड द फ्रीडम टू स्पीक द वे ही वांटेड टू स्पीक, सो ही वाज बीइंग हर्ड प्रॉपरली। बहुत बड़ा फ़र्क है, अगर उनके ऊपर भी कोई ऐसे चला रहा होता तो उनको एक तो अपना वॉइस रेज करनी पड़ती और उस वॉइस रेज करने में वो एलिक्वेंस और वो सब बिलावल भुट्टो पता चुप होके बैठ जाते हैं, कहते पहले तो मैं इंसान बनो फिर मैं बोलूं। नहीं नहीं जो, वो तो अब नहीं हुआ ना, ये तो अभी एक तो वो नहीं हुआ ना, वो नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो एक तो ये कंटेंट भी बड़ा अच्छा था और वो जो आपने कहा कि उन्होंने तनकीद भी उस तरह से की जो अच्छे पार्लियामेंटी तरीके से और भरपूर की। पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ और ऑन एयर भी ये कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हवाले से काम करने के अलावा जो पाकिस्तान के पाकिस्तान के मैक्रो व्यूज के हवाले से हर चीज के हवाले से, मिनोरिटी, वुमेन राइट्स, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस,
صرف جو کمی ہے اور یہ شروع دن سے ہے اور اس کا میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں ایک چیز. پہلی دفعہ جب روٹی کپڑا مکان کا میسج لے کے بھٹو صاحب آئے تھے اس سے اچھا آج تک کبھی نہیں آیا, نہ اسے پہلے آیا تھا نہ اس کے بعد آیا تھا. اتنا کمپریہنسو سولوشن فار دی ماسز, یٹ پیپلز پارٹی نیور ایور ہیڈ اے فائنینس منسٹر فرام ود ان دا پارٹی. سو آؤٹ سائڈر کو آپ لے کے آتے ہیں جس کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتی کہ اس نے جانا ہی نہیں, کبھی وی اے جعفری کو لے کے آتے ہیں, کبھی شوکت ترین کو لے کے آتے ہیں, کبھی جی اب دیے جاتے ہیں. اچھا یہ تو مجھے نہیں پتا, بلاول کی اسپیچ کے اندر ایک جو ان کی ڈیفینس تھی وہ آپ کے بلاول, لیٹ می آلسو شیئر مائی فائنل ڈیسیژن فائنل اسٹیٹمنٹ, بلاول ہیز ٹرن اراؤنڈ پیپلز پارٹی فار بیٹر compared to where it was in the past. اس میں تھوڑا کریڈٹ مراد علی شاہ کو بھی دیں. ہاں مراد علی شاہ ساری ٹیم ہے بٹ لیڈ تو وہ کرتے ہیں. فیصل صاحب یہ اسپیچ کے کیونکہ رینکنگ ہو رہی ہے آپ بھی اس کو ذرا زیادہ ہائیلی رینک کریں گے. دفاع جو کیا زندہ لاشوں کا, اچھا خالد مقبول صاحب نے بھی اسپیچ دی تھی, ان کی بھی پوچھ سکتے, کوشش کی تھی انہوں نے, میں نے اسپیچ تو دی تھی یا کیا. لیکن بلاول بھٹو نے یہ سب سے پہلی ریفرنس ان پارلیمنٹ عمران خان صاحب کی غیر پارلیمانی زبان کے حوالے سے انہوں نے ہی دی اور آپ کے کارکنان کے حوالے سے دی, تو ہاؤ واز اٹ؟ نہیں دیٹ واز گڈ. میں نے اس وقت لائف تو نہیں دیکھی جس وقت یہ آ رہی تھی, لیکن بعد میں آئی واچ دا گلمپسز اور نہیں ہی واز گڈ اور آرٹیکولیٹ اور میرے خیال میں خالد مقبول صاحب نے بھی خاصی مناسب تقریر کی, لیکن اس وقت کیونکہ پرائم منسٹر اٹھ کر جا چکے تھے تو وہ والی امپورٹنس نہیں ملی جو ہمارے اربن سندھ کے ایکسپیکٹیشنز ہیں, جو ہمارے ورکرز کے ایشوز ہیں, جو ہمارے کارکنان اور ہمارے ووٹر سمجھتے ہیں, وہ سارے کے سارے ایشوز ہیں. اربن سندھ کی تو ریپرزینٹیو دے چکے تھے اسپیچ. ہاں لیکن خیر بہرحال ہم نے اپنا حق ادا کیا کہ جو بھی ہم سے توقع ہے اور کئی نشستوں کے اوپر تو مجھے پتہ ہے نا کہ گنتی کیا ہے اور گنا کیا گیا ہے, تو میرے خیال میں دیٹ واز اے گڈ ڈے فار پارلیمنٹ. اور میں زبیر صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر کہ خان صاحب کے ساتھ بھی اگر اتنا احتجاج نہیں ہو رہا تو ہم نے دیکھا صوبائی اسمبلی میں بہت زیادہ فائنانس منسٹر بجٹ پیش کر رہا ہے تو اگر شدید احتجاج ہو رہا ہے تو وہ پھر لاؤڈ ہو جانا پڑتا ہے. خان صاحب بولتے ہم گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں, ہمارے فائنانس منسٹر بھی یہی کرتے تھے اور ہم جب اپوزیشن میں رہے ہیں تو سر اس میں کنسرن زبیر صاحب میری یہ تھی, ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, اس پہ ہم بات بھی کریں گے کہ خان صاحب بولتے اچھا ہیں اور انہوں نے اس دن جس طرح وہ اپنے پلان سے ہٹ گئے اس سے تشویش ہوئی ہمیں کہ کیا 20 لوگوں کے احتجاج سے جو آپ پلان کر کے آئے تھے سپیچ دینے کو وہ آپ نے پھر دی ہی نہیں. ہم نے اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لیا تھا. کیونکہ یہ ہم کافی سالوں سے یہ کرتے آئے ہیں کہ یہ آزادی اظہار اور 19A رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے سب لوگ کمٹ کر چکے ہیں. ہمارے تینوں مہمانوں کی کیا کمٹمنٹ ہے کیونکہ اب ڈیلیوری جو ہے وہ خان صاحب نے اپنے خطاب میں کوئی ذکر اس کا نہیں کیا, وہ کروا دیں گے ذکر ان سے, یہ تین لوگ اور ان کی پارٹیز آفٹر بریک. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. اس سیگمنٹ میں ہم اپنے تینوں مہمانوں سے مختصر طریقے سے لیکن آئی وانٹ اٹ فرام ایوری ون. سینیٹر صاحب آپ سے پہلے, ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے ہاتھ کہیں زیادہ طاقتور ہو جائیں گے اگر اس کی ہر سیشن جو ہے ٹی وی پہ آئے, ہمارے پارلیمان کے اندر اٹینڈنس کہیں زیادہ بہتر ہو جائے گی اگر ہر سیشن پارلیمنٹیرینس کا, ٹریجری کا بھی اور اپوزیشن کا بھی شروع سے لے کے آخر تک براہ راست ٹیلیوائز ہو. ایک پی ٹی وی پارلیمنٹ نما چینل انہوں نے لانچ کر دیا ہے, یہ رولز آف بزنس کے اندر انکلوڈ کرنا یا ریزولوشنز پاس کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, ہر پارٹی اگر مل کے یہ کر لے. میں اس لیے کہہ رہا تھا ان سے کروا دیں گے بریک سے پہلے کہ اسد عمر صاحب ہمارے شو پہ کمٹ کر کے گئے ہیں, عمران اسماعیل صاحب ہمارے شو پہ کمٹ کر کے گئے ہیں. جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے ان کا یہ کہنا تھا یہ تو پہلے دن والے کام ہیں کہ ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو پبلک کریں گے, ایک بہت فعال اور بہت طاقتور آرگن آف اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کو چھپا ہوا کیوں پارلیمنٹ کی لائیو کوریج دکھائیں گے, لائیو کوریج دکھائیں گے, یہ تو ہو سکتا ہے نا سر, یہ تو پہلے دن ہے نیا پاکستان. دیکھیں اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور جب میں سینٹ میں تھا تب اس پر میں ہمیشہ بات کرتا رہتا تھا کہ یہ ہونا چاہیے, ساری صرف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں ساری اسٹینڈنگ کمیٹیز کو آپ لائیو کر دیں. بالکل ساری میجر اسٹینڈنگ کمیٹیز, ہاں پورا ایک چینل بنایا سر, پی ٹی وی پارلیمنٹ ہے نا, انہوں نے کچھ کیا ہے نا, اس کو چلاتے رہے. اچھا دوسرا یہ کہ سندھ اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ لائیو ہوتی ہیں, ایک سندھی چینل تو اس کو پورا لائیو دکھاتا ہے, پھر اس میں اور بھی آپ لوگ اسی کلین فیڈ دیتے ہیں. ہاں وہ پورا لائیو آتا ہے, پورا سیشن جب تک چلتا رہے اور پھر شاید بعد میں ریپیٹ بھی ہوتا ہے وہ رات میں جا کر کسی وقت میں. یہ ایک اچھی چیز ہے, اس سے تو میرا خیال ہے ایک تو جو لوگ ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی اگر ہم نے سعید غنی کو بھیجا ہوا ہے تو کر کیا رہا ہے اسمبلی میں, کیا کر رہا ہے, اور جو کچھ نہیں کرتے میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر بھی تھوڑا دباؤ آئے گا کہ جی ہمیں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, ووٹرز کچھ دیکھ رہے ہیں, ہم بھی کچھ بات کر رہے ہیں اپنے ووٹرز کی. ایک تو پی ٹی وی از کلاسک, جب سے عمران خان آئے ہیں تو مجھے اسپورٹس کا بہت شوق ہے, میں بار بار اسپورٹس چینل جا کے دیکھتا ہوں, پی ٹی وی پر ایک ہی چیز آ رہی ہے پچھلے بہت دنوں سے,
इमरान खान की क्रिकेटिंग हिस्ट्री। ठीक है, तो आपको शौक है स्पोर्ट्स का यार, आपने तो गलत पार्टी ज्वाइन की है फिर। नहीं, ओ भाई वही मैं कहता हूँ, ये जो पीटीवी स्टाइल है ना, ये जो पीटीवी या रेडियो पाकिस्तान स्टाइल है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये हमारा पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि शायद उससे उसकी कार्रवाई में बहुत इम्प्रूवमेंट, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होगी। मेरा थोड़ा सा तहफ़ुज़ात है। एक तो ये है कि जो हमने एक नैरेटिव बिल्ड किया है इस मुल्क में, कि जब आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के प्रोसीडिंग्स देखेंगे तो लोगों का और ज़्यादा जज्बात भड़केंगे इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि जी वो जब एक ऑडिट रिपोर्ट को कंसिडर कर रहे होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट में अगर कोई मिस्टेक होती है, इट इज़ नॉट नेसेसरली करप्शन। I mean, मेरे सारी उम्र फाइनेंस छोड़ देना, लोगों पर नहीं छोड़ दें, the choice of words that are used, बेहतर मेयार भी बेहतर होना पड़ेगा। अब ये उसके लिए क्या मतलब, सारे आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स तो नहीं पीएससी में बैठे ना, लोगों को दिखाना। सर मार्क ज़करबर्ग फेसबुक का बानी पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने गया, उससे दुनिया के सबसे फजूल तरीन सवाल हुए। मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिका में आप, बाय द वे, आप कभी वर्ड करप्शन सुनते हैं सर? CNN पर या Fox पर misappropriation, Congress persons के सामने गए, really ना, मतलब all the time दुनिया के सबसे फजूल तरीन सवाल उनसे पूछे गए। Anyways, I have no problem उसकी live coverage जो जिसने देखनी है वो जरूर देखें। आपका क्या ख्याल है? नहीं, I'm totally for it, और यहाँ पर भी और सूबे में भी होना चाहिए और विफाक में भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है, हमारी पार्टी इसको बिल्कुल करेगी। जुबैर साहब, आपसे ये सवाल मैं शुरू करूंगा कि आपके ख्याल से अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बेल हो जाती है या उनकी जजमेंट सस्पेंड हो जाती है, तो पाकिस्तान की सियासत जो इस वक्त वन डायमेंशनल लग रही है, उस पर क्या फ़र्क पड़ सकता है आपके ख्याल से? मेरे ख्याल है अगर उनके जो सबसे बड़े हरीफ हैं वो हैं इमरान खान, जाहिर है इमरान खान के लिए इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गायब एक उनका अंदर होना उनके लिए एसेट था, डेफिनेटली। अब उनका जेल के अंदर रहना उनके लिए लाइबिलिटी है, और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, आई डोंट थिंक सो पॉलिटिकली इमरान खान विल गेन। सो मेरा अपना ख्याल से इमरान खान का ये भी जो फैसला कैबिनेट का है कि जी ECL पर डालना, ये आई डोंट थिंक सो दिस इज़ अ गुड पॉलिटिकल मूव। मेरे हिसाब से तो ही शुड लाइक टू सी हिम गोइंग आउट एंड गोइंग आउट फॉर गुड रादर देन कीपिंग हिम हियर एंड डूइंग सम पॉलिटिकल एक्टिविटीज। और वो तारीफ वाज थिंकिंग, जी व्हाट डू यू थिंक ही वाज थिंकिंग? मेरा अपना ख्याल ये कि खान साहब बहुत सारे काम सोच समझ के नहीं करते। ये तो आसान जवाब आपने दे दिया। आपके ख्याल में खान साहब ने किया? यकीनन उनके कैबिनेट में हुआ है। और कौन? एक मेरा ख्याल, और ये आगे पता भी चल जाएगा आपको, इस वक्त खान साहब शायद ये समझते हैं कि वो अकेले आदमी जो हुकूमत चलाएंगे, बाकी तो इसलिए पूरे कर लिए कि ये अच्छी खबर भी हो सकती है कि जो पुराने पाकिस्तान, बहरहाल ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मशावरत के बगैर इतने क्राइसिस में किसी गवर्नमेंट को चलाना जो है वो किसी एक बंदे के बस की बात है, और खान साहब के बस की बात है। एक मैं सॉरी सर, एक जरूरी है आपसे एक चीज पूछना, कि पता है अब ये मेरा आपका बड़ा अच्छा जा रहा था प्रोग्राम, लेकिन ये आप मुझे समझा दें कि कौन सी सियासी बसीरत इजाज़त देती है आपको, कौन सा आपने आवाम से वोट लिए उनको जवाब देना है। ये जो आपने शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया, ये जो आपने सदारत के लिए एतजाज़ हसन, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ मेरे प्रोफेशन से भी, ये नहीं कि वो हैं, लेकिन आपने यूनिलैटरली अनाउंस किया, ये आप डिवाइड कर रहे हैं, आप अपोजिशन को डिवाइड करके PTI के साथ मिले हुए हैं आप। शहबाज शरीफ वाला जो एपिसोड था तो गुजर गया है। अच्छा, गुजर गया तो आप माफी है? नहीं माफी नहीं है, मैं तो यानी दादली भी जो होगी वो भी छोड़ दें, अगली पे बात कर रहा हूँ। एतजाज़ अहसन साहब का नाम प्रपोज किया गया है, अभी भी अगर तमाम अपोजिशन की जमातें बैठ, आप डिवाइड क्यों कर रहे हैं अपोजिशन को? सिर्फ ये बता, डिवाइड नहीं कर रहे, कोई नहीं, हम समझते हैं कि एक अगर अच्छा कैंडिडेट आ जाए। देखिए, बिलावल ने किस बीच ने ये भी बुला दिया था, असल सवाल तो ये है कि आप कर क्या रहे हैं। वो तकसीम करने की कोई बात नहीं, हम समझते हैं कि अपोजिशन तकसीम होगी तो नुकसान हमें भी होगा। एतजाज़ साहब का नाम प्रपोज किया गया है, ज़रूरी नहीं है कि तमाम अपोजिशन उसी पे इत्तेफाक कर ले, मुमकिन है किसी और पे कर ले। ठीक, फैसल साहब आपकी राय, ये पीपल्स पार्टी और PMLN जिस तरह अपोजिशन करने जा रही है, एक
انکسپیرینسڈ گورنمنٹ کے خلاف ایک متحرک اپوزیشن کہیں ضروری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کا جس طرح ایبسٹین کیا ووٹ سے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اس کی وجہ سب سے بڑی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس الیکشن میں پی ٹی آئی کے بعد سب سے بڑی بینیفیشری خود پیپلز پارٹی ہی ہے. تو ایسا نہیں ہے, اسمارٹلی چلیں گے. سب کو یہ دکھانا پڑے گا کہ ہم پہلے سے بہتر تھے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, نعمت اللہ خان صاحب کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب آئے, تو ہی ہیڈ ٹو ورک ا لاٹ. اور اسی طریقے سے اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو صبح کمپلیٹ کرنا پڑے گا. بلاول بھٹو پہ ایز یو کین ٹیل, مراد علی شاہ, سعید غنی صاحب پہ تو کچھ امید رکھ سکتا ہوں سر, لیکن باقی کیبنٹ بھی ساری پرانا پاکستان ہے. نہیں نہیں, ہماری کیبنٹ نہیں کیا تھا ویسے بھائی. ہمارے کیبنٹ کی جو ایوریج ایج آپ نکالو گے نا, وہ فیڈرل کیبنٹ کی ایوریج سے 10-15 سال نیچے. پروگرام کریں جس میں نئے پاکستان کا تصور کریں. پاکستان بننے جا رہا ہے. اچھا, لیکن شاعر کون ہے نئے پاکستان کا؟ کیا ہے اس میں, کیا ہوگا ہمیں؟ نئے پاکستان بننے نہیں جا رہا, نئے پاکستان بن چکا ہے. اچھا, آپ کیبنٹ کے کمپیریزن کر لیجیے. تینوں کا بہت شکریہ. ویورز, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. نئے پاکستان اور عید سب کو مبارک. facebook.com/agenda360 پہ آپ جا کے کامنٹ کر سکتے ہیں. آپ سب کو ہم شو کے پروڈکشن اسٹاف اور چینل کی طرف سے سب کو دلی عید مبارک.